हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में। जो एप्लीकेशन फॉर्म है अकादमिक ईयर 2021 के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आप कैसे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आपके प्रोस्पेक्टस की एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया और पेमेंट डिटेल्स, आपको कितना फीस स्ट्रक्चर, सब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एडमिशन नोटिस है। आप इस पीडीएफ को खोल देंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो जो कोर्स के आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारे कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप देख सकते हैं जो लास्ट सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो बताया हुआ है 31 जुलाई। तो उससे पहले आप सबको आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। अब हम प्रोस्पेक्टस देखेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी का। इस प्रोस्पेक्टस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके सर्टिफिकेशन कोर्स, यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, पीएचडी कोर्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। ये कुछ 50 पेजेस का पीडीएफ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपका एडमिशन नोटिस, आपके एडमिशन की डिटेल्स, आपका फीस स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट कंटैक्ट डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपके फीस स्ट्रक्चर्स की, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब भी आप कोई भी अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट आप एग्जामिनेशन और इवेल्यूएशन यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ गए, हेल्प डेस्क आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके कोर्स के हिसाब से अपने प्रोफेसर्स को। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका एडमिशन कैलेंडर, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे नीचे जाएंगे, ये आपका एडमिशन प्रोसेस आ गया है सर्टिफिकेट यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 600 रुपीज का है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी आपको 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। जो पेमेंट है वो सिर्फ ऑनलाइन मेथड में होगी, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नीचे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, और आपको बताया हुआ है कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे आपके 12th क्लास के अकॉर्डिंग के मार्क्स के लिए। इफ यू आर गोइंग फॉर पीजी, आप ग्रेजुएशन के परसेंटेज हैं वो देखे जाएंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो थ्रू दिस। सो आपके यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरियाज भी बताए हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी होंगे जब आप एडमिशन लेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एंड एमफिल के लिए जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट भी होगा यहाँ पे, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपके इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मैंशन है। आप जिस नीचे जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं हर प्रोग्राम की डिटेल्स, उसका इंटेक एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेट्स से आपको चाइनीज या आपको केमिस्ट्री में जाना है, वट एवर यू वाना चूज, आप देख सकते हैं उसके अंदर आपका कोर्स यहाँ पे गिवन है, आपको सीट्स बता रखी हैं, आपका इंटेक बता रखा है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। जस्ट लाइक एम साइंस है, आपको केमिस्ट्री 55% मार्क्स चाहिए होंगे फॉर जनरल, एंड फॉर 50% फॉर एस सी एस टी ओ बी सी एंड डी ए। ये आपका ब्रॉड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आपको रिटन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एक इंटरव्यू के साथ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अपने फीस स्ट्रक्चर पर जंप करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं फ्यू स्टूडेंट्स को, आप देख सकते हैं। ये कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको 100% रिलैक्सेशन दी गई है, एंड ये कुछ और कैटेगरी है जिसको 50% मिला हुआ है। जस्ट लाइक सिक्किम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, वार्ड्स ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एंड यांगांग विलेजर्स, ये 3 कैटेगरीज है जिनको 50% रिलैक्सेशन मिला हुआ है। आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर दोज यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, आप प्रोग्राम ट्यूशन फीस यहाँ से देखेंगे। आपको हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये रहे आपके हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन कि आपको रेंट कितना देना पड़ेगा। 1 बेडेड 2 बेडेड का ये है, 3 बेडेड का ये, 4 और मोर का ये। आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं।
आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। जब आप ये पीडीएफ ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को तो डेफिनेटली आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। अगर आपने रजिस्टर करा हुआ है तो आप साइन इन पे जाएंगे। बट बिकॉज हमने यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है तो वील गो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इन केस आपका रजिस्ट्रेशन डाउन है तो आप यहाँ पे अपना जो रजिस्टर आपने कराया होगा, अपना ईमेल आईडी वो एंड पासवर्ड जो होगा वो लिखेंगे। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है आप वो सेम यहाँ पे लिखेंगे एंड लॉग इन करेंगे। जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये आपको सबसे पहले आपके कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे आपकी सारी डिटेल्स आपके 10th और 12th के बोर्ड मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो लॉगिन है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होगा। आपका जो एप्लीकेंट है वो जो जो भी आप ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर रहे हैं वो प्लीज़ आप एक्टिव रखें, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन अपना स्टार्ट करेंगे। आपका नेम यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे आप कोई भी एक पासवर्ड, बस ये याद रखिएगा कि मिनिमम पासवर्ड में 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए जैसे कि यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, री एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप वो सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेम कॉपी कर दिया। अब हम जाएंगे रजिस्टर के लिए। ओके, अब मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाऊंगी अपनी जो ईमेल आईडी पे, क्योंकि ईमेल आईडी पे एक आपको वेरिफिकेशन कोड आया होगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, सो आई गॉट माय वेरिफिकेशन कोड, आई विल जस्ट पुट इट हियर। अब ये जो सेम इंफॉर्मेशन है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब सबमिट कर दूंगी अपना ओटीपी। तो मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है इनके साथ। अब मैं डायरेक्टली अपने आप को लॉग इन करूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने लॉग इन कर लिया। इन केस मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं कंटैक्ट हेल्प डेस्क पे जाके हेल्प मांग सकती हूँ। लेट्स कंप्लीट। अगर आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, आप यहाँ पे जाएंगे अपनी कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कुछ डिटेल्स है जो हमें फिल करनी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं आप अपना नेम लिखेंगे, आपका मिडिल नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक है, यानी ये डिटेल है कंपल्सरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल नेम और लास्ट नेम के सामने कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं किया हुआ है तो ये कंपल्सरी डिटेल्स नहीं है। अगर आप नहीं भी फिल करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे। कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपको फिल करनी है आप फिल कर सकते हैं। कोई ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपको फिल करना है, आपका आधार कार्ड, आप यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप लिख देंगे जो कि आपका ब्लड ग्रुप है, आप एक सिटीजन हैं या नहीं। आप अपना रिलेशन यहाँ मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स का नेम लिखेंगे यहाँ पे, गार्जियन का कोई इम्पोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी अपना और नंबर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं। तो अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप यस लिख सकते हैं यहाँ पे। आप अपनी डिटेल्स भरेंगे किस कॉलेज में किस प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। इफ़ नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप पर्सन हैं? इफ़ येस यू विल गो विद द यू नो योर डिसेबिलिटी फिजिकल विजुअल हियरिंग एनी अदर सो और एल्स नॉट एप्लीकेबल। आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आप कंट्री लिखेंगे, अपनी स्टेट, सिटी, पिन कोड। यहाँ पे आप अपनी
अगर ये सेम है आपका तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इन केस डिफरेंट है तो आप अपनी डिफरेंट डिटेल्स फिल करेंगे। आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, अपना अकाउंट होल्डर का नेम, आपका अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर रिकन्फर्म करेंगे, आपका नेम लिखेंगे आपके बैंक का और अपना IFSC कोड लिखेंगे। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आप यहाँ Step 2 पे जाएंगे, वो होगी आपके अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपको अपनी प्रोग्राम की डिटेल्स डालनी है कि जो जो प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके 10th 12th के मार्क्स, या आपकी जो भी बैकग्राउंड है एजुकेशन बैकग्राउंड, उसकी डिटेल्स। उसके बाद आप जाएंगे अपलोड में, अपलोड में आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड और आपका सिग्नेचर, आपके पिक्चर, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है। फिर आपको जो पेमेंट है वो करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको पेमेंट डिटेल्स बता दी थी, 600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 300 फॉर SC ST कैटेगरीज, और जो आपको प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, होप यू हैव अ नाइस डे।